महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांच्या विरोधात गोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या बाहेर भाजपची महिला मोर्चा प्रदर्शन करीत आहेत। आमच्या सोबत आहेत आमदार विद्या ठाकूर। मॅडम, काय मागणी आहे तुमची? नाही, देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो पूना में जो घटना हुई है, पूजा चौहान की आत्महत्या हुई है, हत्या हुई है मालूम नहीं, तो हमारा कि जो जिनका नाम आ रहा है, जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय राठौर जी, उनको अरेस्ट करना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में भी हम लोग इसीलिए आए हैं कि पूना के जो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या एटीट्यूड है, अभी तक उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, तो उनके ऊपर केस लेना चाहिए राठौर जी के ऊपर और उनको अरेस्ट करना चाहिए, ये हम लोगों का कहना है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? देखिए, 1 तारीख से विधानसभा है और सारी बातें सभी लोगों को पता है, और आज हम महिला मोर्चा के लोग आए हैं निवेदन लेकर, लेकिन उनके ऊपर केस होना ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार कोविड में कोविड सेंटर के ऊपर हुआ है, तो ऐसे में जो सरकार को हम जगाने आए हैं, जो कुंभकर्ण की नींद वो सो रहे हैं, तो ये अगर उनको नहीं अरेस्ट करते तो हमारा महिला मोर्चा आगे इस विषय को लेके जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो चुप नहीं बैठ सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को ये बताने आए हैं कि हम निषेध कर रहे हैं, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पूरे मुंबई के अंदर ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि जो महिलाओं का जो अत्याचार है उसको रोकिए, और जो पूजा चौहान का जो प्रॉब्लम हुआ है, जो उनकी मृत्यु हुई है पूजा चौहान का, तो और संजय राठौर जी का जो नाम आ रहा है, जिस तरह से क्लिपिंग चल रही है पूरे महाराष्ट्र में, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर केस लेना चाहिए।